मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान की उन्नति और माफियाओं की कमर तोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में दिया तले अंधेरा चल रहा है। राजधानी में सूखी सेवनिया के पास 200 एकड़ में फैले चाचड़ कृषि फार्म एवं गौशाला की जमीन पर कृषि अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कर लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कांग्रेस नेता हाकिम सिंह रघुवंशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल से की है। शिकायत में रघुवंशी ने बताया कि राजधानी में वर्षों से जमे संयुक्त संचालक बीएल बिलैया एवं उप संचालक शिवनारायण सोनानिया, जिन पर बालाघाट एवं विदिशा में करोड़ों के घोटाले का आरोप है और इन अफसरों के खिलाफ विधानसभा में भी मामला उठ चुका है। ऐसे आरोपी अधिकारियों को राजधानी में बैठाया गया है, जो गौशाला की 87 एकड़ जमीन पर कब्जा करवा कर किसानों से खेती करवा रहे हैं। इन पर तत्काल FIR एवं कड़ी कार्रवाई करने की मांग किसान नेता हाकिम सिंह रघुवंशी ने की है। पैंतीस हेक्टेयर जमीन शासन से अलाट हुई है, जिसका सीमांकन कार्य कराया जाना था। पूर्व अधीक्षकों द्वारा सीमांकन कार्य नहीं कराया गया है, अतः वो पूरी तरह से फार्म के कब्जे में भी जमीन नहीं है। फार्म चाचड़ फार्म की जांच हमारे द्वारा समिति बनाकर की गई थी, जिसमें पूर्व के मैनेजर तक की जांच की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। उसमें करीब 11.5 लाख रुपये की रिकवरी संबंधित के ऊपर निकाली है, जो संबंधित से रिकवरी की जा रही है उसकी। वर्तमान में हमको जो शिकायत मिली उसकी जांच कमेटी JDA स्तर से बनी है, वो जांच आने पर आपको अवगत करा देंगे। सर, ये मेरी जानकारी में आपने अवगत कराया है, तो इसको मैं अभी दिखवाता हूँ और जांच करने के बाद में आपको मैं अवगत कराऊँगा इसको। यदि ऐसी आती हैं तो हम एक विभागीय कमेटी हमारी बनी है JDA स्तर से, उससे इस पॉइंट को भी जोड़ करके हम इसकी जांच में ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15 या 20 दिन से पहले हम कर लेंगे इसको। क्यों नहीं, जब अनियमितता होगी तो शासन तक जाएगी उसकी रिपोर्ट।